तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में एक बार फिर से। तो भाई यहाँ पर कल लॉन्च हो गया था टेक्नो पोवो। तो भाई उनकी ओर से अपना काफ़ी नया फ़ोन पोवा जो यहाँ पर निकल कर आया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके के आपको यहाँ पर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पर आपको जिसमें चार सेंसर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर रियर में मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में यहाँ पर 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ, और एक यहाँ पर AR शॉट के लिए भी आपको एक सेंसर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो भाई बात करें सेल्फ़ी की, तो इसमें आपको जो सेल्फ़ी देखने को मिलती है वो 8 मेगापिक्सल की है, और आप इसमें मैक्सिमम दोस्तों 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बैक कैमरा से। आपको यहाँ पर दोस्तों कोई EIS का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसके कि डे लाइट कंडीशन में इसका कैमरा कैसा वर्क करता है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे सैंपल कलेक्ट किए हैं। तो भाई पहले ही शॉट में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से यहाँ पर जो आप बोल सकते हो कि डायनामिक रेंज है वो निकल कर आई है। नेक्स्ट शॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्काई का दोस्तों कलर है वो दोस्तों नेचुरल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और थोड़े बहुत कलर्स यहाँ पर मुझे काफ़ी सही लगे हैं टेक्नो के इस कैमरे में। तो भाई यार यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर जो है कि फूल की फ़ोटो लेना पसंद करते हैं, तो मैं भी करता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर जो कलर्स है वो काफ़ी सही है, यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है ये मैंने पोर्ट्रेट मोड में ली है, तो वो भी काफ़ी सही से निकल कर आया है। दोस्तों इस शॉट में आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी मैंने डे लाइट में लिया है, और ये सिंपल शॉट है यहाँ पर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो स्मूथनिंग इफेक्ट थोड़ा यहाँ पर मुझे ज़्यादा लगा। तो मतलब जो AI शॉट यहाँ पर लिया है AI कैमरे ने, हल्का सा स्मूथनिंग यहाँ पर हो गई है। तो दोस्तों बात करें अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसी जगह पे फ़ोटो ले जहाँ पर कि थोड़ी शेड भी हो और थोड़ा धूप भी हो, तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों जो एडजस्टमेंट है यहाँ पर कैमरे की वो काफ़ी यहाँ पर सही मुझे लगी है। दोस्तों बात करें ह्यूमन शॉट की, तो मैंने यहाँ पर ये पोर्ट्रेट मोड लिया है, तो भाई पोर्ट्रेट मोड में मुझे तो अभी खास कोई दिक्कत नहीं आई है। बस थोड़ा सा दोस्तों जो पोर्ट्रेट मोड है वो थोड़ा आर्टिफिशियल सा देखने को लगता है, बाकी यहाँ पर सब कुछ ठीक ही है। तो दोस्तों नेक्स्ट शॉट आप ये यहाँ पर देख सकते हो, ये भी पोर्ट्रेट मोड है, तो कई बार यहाँ पर दोस्तों थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आ जाती है। तो दोस्तों जो ये यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, मैंने इसी फ़ोन से यहाँ पर ये रिकॉर्ड की है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, तो कुछ शेकी वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं बात करूँ यहाँ पर प्राइस के हिसाब से, तो दोस्तों ठीक ठाक ही है, 10,000 रुपये का ये फ़ोन यहाँ पर निकल कर आता है। सन की और दोस्तों आप कैमरा करोगे तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी देखने को मिलेगी, और डायनामिक रेंज आप देख सकते हो वीडियो की कैसी है। ये मैंने यहाँ पर Full HD पे, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 1080p पे यहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है ये वाली। तो भाई आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 8x जूम इसमें किया है, और भाई कुछ इस तरीके की क्वालिटी है। दोस्तों जूम आप मत ही कीजिएगा तो ठीक रहेगा। वैसे तो दोस्तों ये जो जगह है वो काफ़ी दूर है, आप देख ही सकते हैं, और डायनेमिक रेंज मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लगी है। दोस्तों बात करें यहाँ पर सेल्फ़ी कैमरा की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फ़ी देखने को मिलती है। तो भाई थोड़ा यहाँ पर स्किन टोन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी आर्टिफिशियल देखने को मिली, और इंडोर शॉट में आप देख सकते हो इंडोर शॉट दोस्तों काफ़ी इंप्रेसिव थे इस फ़ोन के। तो भाई 8 मेगापिक्सल की दोस्तों सेल्फ़ी उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन दोस्तों फिर भी जो आप यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड देख सकते हैं, तो पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पर काफ़ी सही निकल कर आया इसी फ़ोन से। तो भाई कलर्स कूलर्स आप देख सकते हैं, मेरी जो स्वेटर का यहाँ पर कलर है दोस्तों वो यहाँ पर काफ़ी सही से निकल कर आया है। बात करें दोस्तों इंडोर पोर्ट्रेट मोड की, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी सही से काम कर रहा है, तो ऐसे कोई मुझे खास दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। दोस्तों बात करें यहाँ पर फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो भाई इसमें आप Full HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कोई EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। बाकी बात करें दोस्तों डायनेमिक रेंज की, ऐसे तो दोस्तों ठीक ही है, लेकिन आप अगर सन के यहाँ पर अंगेज दोस्तों फ़ोटो लेने जाओगे या फिर वीडियो खींचने जाओगे, तो कुछ इस तरीके का वाइटनेस यहाँ पर देखने को मिलती है। पता नहीं दोस्तों ये क्यों है, लेकिन इस फ़ोन में है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 10,000 रुपये में अगर आपने ये फ़ोन लेना है, तो अगर गेमिंग पर्पज़ से दोस्तों आप ये फ़ोन लेना चाहते हो तो डेफ़िनेटली यहाँ पर दोस्तों ले सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा टाटा।